अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 5 अक्टूबर को रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोजा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरबियती कैंप में मौलाना लगी खासमी साहब ने काफी अच्छे अंदाज में तमाम को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के जरूरी अहकाम सिखाए हैं। इस मौके पर अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर इंजीनियर आमिर साहब ने तरबियती कैंप की डिटेल बताते हुए कहा, 5 अक्टूबर को रवाना होने वाले ग्रुप में होटल्स खरीब रहेंगी और हैदराबादी जायकेदार फूड के अलावा लोकल जियारतें और एक और एक्स्ट्रा उमरा जुराना से कराया जाएगा। इस ट्रैवल्स के जरिए लगातार लोग उमरा का सफर तय कर रहे हैं और प्रोपराइटर इंजीनियर आमिर साहब की निगरानी में दी जाने वाली सर्विसेज से मुतमईन होकर लोगों ने अपने अच्छे तासुरात भी पेश किए हैं। अक्टूबर ग्रुप के बाद अगला पैकेज 17 और 18 नवंबर के लिए तैयार किया गया है। अगर आप भी उमरा जाने का इरादा रखते हैं तो इस ट्रैवल्स के जरिए रवाना हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड मकबरा मस्जिद के करीब मौजूद अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी के अल्लाह के घर का ये सफ़र जो बंदा करता है और गुनाहों से बचता हुआ नहीं है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह की जानिब से जवाब मिलता है लब्बैक ला लब्बैक ला सअदैक, तेरा कोई लब्बैक कबूल नहीं, तेरा कोई सफ़र कबूल नहीं। दुबले पतले हैं तो 2 मीटर में आपको एहराम आसानी से बांध सकते हैं। अगर दुबले पतले 2.5 मीटर का लेते हैं तो बहुत बड़ा एहराम हो जाएगा, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सेहतमंद हैं तो 2.5 मीटर लें तो आपको आसानी से वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। एक तो जो एहराम है तहबंद नीचे बांधने का है, इसके बहुत सारे तरीक़े हैं, आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे और आप दूसरों से भी सीख जाएंगे। इसकी सहूलत आसानी से जो एहराम बांधने की बताते हैं वो बहुत से तरीक़े इसमें बताएँ, लेकिन मुझको जो अच्छा लगता है तरीक़ा और आसान तरीक़ा है ज़्यादा मशक्क़त के बग़ैर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो चादर है इसको एक तरफ की चादर को बड़ी कर दें बाएं तरफ की, ख़ास तौर से आप दाएं बांध रहे हैं तो राइट साइड आप अगर बांध रहे हैं तो इसको बड़ी कर लें, लेफ़्ट साइड अगर आप बांध रहे हैं तो उसको बड़ी कर लें। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये छोटी चादर हम लेफ़्ट साइड बांध रहे हैं तो उसको अंदर घुमा लेंगे थोड़ा सा पैर चौड़ा कर करके ऐसे बस, या फिर और थोड़ी भी बड़ी कर लें जो आपके पैर के फोल्ड होने तक यहाँ तक पहुँच जाए, ये एक तरफ का हो गया। उसके बाद यहाँ ये हाथ रख करके इस चादर को घुमा लें टाइट से, ये टाइट से घुमा लें। उसके बाद और एक बार इसको फोल्ड कर लें, ये 2 बार हो गया। उसके बाद बस इसको ऊपर से नीचे तक मजबूती के साथ हल्के हल्की बारीक लकीर में इसको फोल्ड करें इस एतबार से। अब देखें ये चादर दरमियान में आ गई, ये चादर भी दरमियान में आ गई, तो हमारा तहबंद मजबूती के साथ अपने जिस्म को छुपा करके बांधा जा सकता है। अब ये बहुत मजबूत एहराम बन चुका है, इसके ऊपर फिर मज़ीद आप बेल्ट बांध देंगे तो ये और भी मजबूत हो जाएगा। ये बेल्ट इसके ऊपर आएगा, ऐसे वो बेल्ट आएगा तो और मजबूत हो जाएगा। और एहराम के अंदर और एक बात ये है, बहुत से लोग ये समझते हैं एहराम अब बांध लिए हैं तो इसको खोलना ही नहीं उम्रा होने तक। उम्रा मुकम्मल होने तक आप इसको कितने बार भी खोल सकते हैं, उतने बार भी बांध सकते हैं, इसकी मुकम्मल इजाज़त है। आपका एहराम अगर सफ़र के दौरान गंदा भी हो जाता है, कुछ चाय वगैरह गिर जाती है या बहुत मैला हो जाता है, तो आप इसको निकाल करके अपने बैग में जो रखा हुआ एहराम है वो भी बांध सकते हैं। एहराम नाम है नीयत का, एहराम नाम नीयत का है, कपड़ों चादरों का नहीं है। आपने नीयत कर ली कि मैं उमरे का इरादा करता हूँ, अल्लाह आसान फरमा कबूल फरमा, तो आप एहराम में आ गए, कपड़े में नहीं, एहराम में आ गए आप। अब चाहे कपड़े आप खोलें बदलें, यही पहने या दूसरे बदलें, उसकी मुकम्मल इजाज़त है, आप एहराम में बाकी ही रहेंगे जब तक आप सर के हलफ ना करवा लें। एक तो ये चादर है आपकी नीचे बांधने की जो मजबूती के साथ बन जाएगी, और दूसरी चादर जो है वो ऊपर है। ये 2 चादरों पर आपका अहराम मुकम्मल है मर्द हजरात के लिए। इसको छोटा रखें और इसको थोड़ा बड़ा कर लें एक तरफ के हिस्से को, हाथ यहाँ से बाहर निकाल लें और निकाल कर इस तरीके से आप डाल लेंगे पीछे, और जो बैग आपका होगा वो बैग यहाँ पे लगाएंगे तो फिर मजबूती के साथ ये अहराम आपका बैठ जाएगा। जैसे कि अब हमारा ये लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड से इसको डाल लें तो ये आसानी से यहाँ आकर बंद इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ये जितना वज़नी होगा ये बंद जो है आपके एहराम को मजबूती के साथ जमाए रखेगा। इसकी ये चादर को और मजबूती के साथ आप बिठाना चाहते हैं तो इसकी एक शक्ल ये भी है
ये हिस्से को जो है जो आप लिए हैं ले करके इसको नीचे के अहराम के किसी एक कोने में इसको बिठा लें इससे मजबूती से, तो ये तो निकलेगा नहीं। फिर इसको भी जो है आप ऐसे लेके पीछे ले करके फिर यहाँ से इसकी जो पीछे की झालर आती है उसको भी वहाँ पे लेके यहाँ पर पीछे के हिस्से में कहीं बांध लें, तो ये मजबूती के साथ आप उसके अंदर अहराम मुकम्मल फिट हो जाएगा, आपका निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज अल्फला टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से माशाल्लाह फंक्शन हॉल में 5 अक्टूबर के उमरा ग्रुप के लिए तरबियती कैंप रखा गया था, जहां पर जनाब मौलाना लईख खासमी साहब अपने अल्फाज में तरबियत कर रहे हैं सभी को, और ये काफिला 5 अक्टूबर को हैदराबाद से रवाना होगा, जहां पे 15 दिन का उमरा रहेगा। होटल मक्के में होटल करीबी हैं और मदीने में भी करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से फिर जोराना से भी एक उमरा कराया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फला टूर्स एंड ट्रैवल्स अब तक अच्छी सर्विस देते आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा 4th काफिला है और 5th काफिला हमारा 17 और 18 नवंबर को होगा। अगर बुक कराना है तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे कॉल कर सकते हैं या नहीं तो ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस है अल्फला टूर्स एंड ट्रैवल्स, नियर मकबरा मस्जिद, दरगाह रोड, गुलबर्गा।